मिनट, वो जो देखिए आपने दिया था वो तो नहीं हो रहा था, तो हाँ मैंने थोड़ा वो जो आपने बोला था फर्स्ट लिंक से मतलब फर्स्ट वाला डाउनलोड करने वाला था, मैंने उससे थोड़ा लोअर वर्जन डाउनलोड कोई किया। बात नहीं, कोई इशू नहीं, दिखाइए। ये वाला ना ये 0.2 है, 0.3 वाला मतलब डाउनलोड कर रहा था वो नहीं हो रहा था, तो 0.2 वाला हो गया एकदम अच्छे से। ठीक है, स्क्रीन शेयर करी, दिखाइए एक बार, इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हो गए ना, अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन करें। हाँ ओपन करिए वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, न्यू पर क्लिक करिए, न्यू न्यू या नाम ओके डालिए खाली। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चेंज करिए, लाइनक्स में शिफ्ट करिए, लाइनक्स इसे भी चेंज करिए। ओरेकल 64 की जगह डेबियन 64 चूज करिएगा। नेक्स्ट, इसको इंक्रीज कर दीजिए 2048, 2 GB रख लीजिए। टाइप कर दीजिए बहुत जल्दी जैसे। नेक्स्ट, थर्ड वाला यूजर, क्योंकि हमारे पास है डिस्क, वो फोल्डर का साइन आ रहा है ना, उससे ब्राउज कर लीजिए अपनी 64 बिट वाली को। ऐड, क्लिक ऑन ऐड, ओके ऐड आ रहा है ना ऊपर। सॉरी, वही जो मैंने अभी डाउनलोड किया था। ठीक है, चूज क्रिएट, स्टार्ट करिए अपनी गाली को। स्टार्ट आ रहा ना अभी? हाँ, ये कहने डालिए, अब कभी ओएस बॉक्सेस होगा, ओएस बॉक्सेस ये है, पासवर्ड होगा osboxes.org। वो स्मॉल टर्मिनल ऑन करिए, आईपी चेक करके बताइए।
आईपी बताइए क्या है आपके आईपी। आईएफ कॉन्फिग यूज करते हैं। एंटर करी। 10.0. वाली आ रही है। मेन सिस्टम की आईपी चेक करी सीएमडी से। वहां पर जाके डिवाइसेस पे जाके चेंज करिए। क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही बन जाएगी काली पे। हाँ नहीं, इसमें जो ब्लैक कलर का आ रहा है ना काली के साइड, इसमें डबल क्लिक करिए। ये सीएमडी का है। हाँ ये ओपन होंगे ना। ऊपर डिवाइसेस आ रहा है, डिवाइसेस पे जाइए। हाँ इस पे नेटवर्क, नेटवर्क सेटिंग, इसको नेट से ब्रिज पे चेंज कर दीजिए। ओके। अगेन आईपी चेक करिए। 192 की सीरीज में चाहिए ना। ठीक है, आ गई। बस ठीक है, बंद कर दीजिए, अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज हम लोग स्कैनिंग शुरू कर लेते हैं। मिनिमाइज कर दीजिएगा, प्रैक्टिकल आपके में कर लेंगे। पहले मैं पढ़ा देती हूँ स्कैनिंग क्या होती है। कल वाले में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो आज हम लोग को अपना स्कैनिंग शुरू करना है। स्कैनिंग का मतलब होता है कि अपने पूरे सिस्टम को स्कैन करके देखना कि इसमें कौन सी प्रोटोकॉल या फिर क्या चीज वर्किंग कर रही है। तो जो पर्पस होता है नेटवर्क स्कैनिंग का, उसका मतलब ये होता है कि अपने सारे पोर्ट्स को, अपने सारे प्रोटोकॉल्स को सबको मैनेज करके रखना है। नेटवर्क स्कैनिंग मोस्टली हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हमारे नेटवर्क में अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है या फिर कोई भी ऐसी चीज कनेक्टेड है जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन गेन आउट करनी है, तो हम उसको स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें हम सारे अपने जितने भी होस्ट हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड है, जितने भी पोर्ट्स कनेक्टेड है या कोई सर्विसेस चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग स्कैनिंग को यूज करते हैं। स्कैनिंग जो होती है वो बेसिकली नेटवर्क में स्कैनिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो हमको स्कैनिंग भी उसी की करनी है कि हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने नेटवर्क के अंदर मिल रही है। तो जो नेटवर्क स्कैनिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि मोस्टली हम लोग एआरपी टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज करते हैं। एआरपी की फुल फॉर्म होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी जो होती है वो मैक एड्रेस पर काम करती है कि उसको जो पैकेट सेंड करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो वो मैक एड्रेस को मैच करके देखेगी कि हमारे वाले पैकेट से कौन सा मैक एड्रेस मैच कर रहा है। जो पैकेट मैच करेगा वो वाला हमारा डेटा उसका होगा, तो फिर वो उसको सेंड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ एआरपी पे मैटर करता है, एआरपी भी मैटर करता है। इसके अलावा ये कि आईसीएमपी भी मैटर करेगा। अगर आप उसके साथ पिंग ही नहीं कर पाएंगे जिस चीज को आपको सेंड करना है, तो आपका डेटा में नेटवर्क कनेक्ट ही नहीं होगा। नेटवर्क कनेक्ट नहीं होगा तो आप कोई चीज सेंड नहीं कर पाएंगे। अब जो हमारी स्कैनिंग होती है वो भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, नेटवर्क में एक्टिव स्कैनिंग और पैसिव स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग को आप यही बोल सकते हैं कि वो पैकेट स्निफिंग हो रहा है, दैट मींस पैकेट शेयर हो रहा है, या फिर पैसिव स्कैनिंग भी बोली जा सकती है। इसमें क्या है कि हम लोग डिफरेंट टाइप के पैकेट्स को कैप्चर करेंगे और अपने ट्रैफिक में उसको मूव करके देखेंगे कि वो हमारा पैकेट किस जगह से लेके कहाँ तक जा रहा है। तो उसके लिए क्या है कि आपको सपोज करो एक सर्वर है और एक क्लाइंट है, बीच में आपके नेटवर्क पैकेट्स हमको शेयर कर रहे हैं। तो अगर पैसिव स्कैनिंग हो रही है दैट मीन कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व है। बीच में इन्वॉल्व है मतलब सर्वर ने कोई पैकेट सेंड करा अपने क्लाइंट के लिए, बट बीच में हमारा नेटवर्क स्निफर लगा हुआ तो उसने वो पैकेट की इन्फॉर्मेशन ले ली, तो क्या हो गई, पैसिव स्कैनिंग हो गई, क्योंकि वो अपने स्कैनिंग के लिए वो उस चीज को यूज कर रहे हैं। बट सेम केस एक्टिव स्कैनिंग में देखें तो एक्टिव में क्या होगा, कोई भी नोड बीच में कनेक्ट नहीं होगा, आप डायरेक्टली उसी सर्वर के मेंबर हैं। तो आपने क्या करा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सर्वर से या उस जगह से चाहिए थी आपने डायरेक्टली फेच आउट कर ली, तो वो जो आपका आता है वो आपका आता है एक्टिव स्कैनिंग। हमारे पास कई टाइप्स ऑफ स्कैनिंग, हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है स्कैनिंग को। पहली होती है पोर्ट स्कैनिंग, दूसरी होती है नेटवर्क स्कैनिंग, थर्ड होती है वर्नेबिलिटी स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग में क्या है, सारे पोर्ट्स आपके पास आ जाएंगे, कौन कौन से पोर्ट्स की स्कैनिंग की जा रही है। नेटवर्क स्निफिंग का मतलब होगा या फिर नेटवर्क स्कैनिंग का मतलब होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आईपी एड्रेस की लिस्ट देख रहे हैं, कौन से आईपी से आप सारी चीजों को सर्च आउट कर रहे हैं।
थर्ड होता है वर्नेबिलिटी स्कैनिंग. वर्नेबिलिटी स्कैनिंग डिफरेंट पार्ट होता है. वर्नेबिलिटी स्कैनिंग का मतलब होता है आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी लूप होल ट्रेस कर रहे हैं, जैसे कि हमारी विंडोज में कोई बग निकल आया या फिर कहीं पे भी कोई जैसे कि हाँ बहुत सारे ऐसे अटैक्स होते हैं, एक्सेस अटैक या कुछ भी, मान लीजिए कोई वेबसाइट है और आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, चेंजेस करके अपना नाम दिखा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा चेंजेस कर रहे हैं तो वेबसाइट आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, तो वो वर्नेबिलिटी स्कैनिंग होता है. वर्नेबिलिटी स्कैनिंग के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे जैप हो गया, ओवास्प का जैप होता है, या फिर एक्यूनेटिक्स हो गया, या फिर नेट स्पार्कर हो गया, नेसस हो गया, डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं जो आप वर्नेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यूज कर सकते हैं. अब बात आती है स्कैनिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं. स्कैनिंग के लिए बेसिकली हम लोग तीन तरीके की टेक्निक यूज करते हैं. एक होती है ICMP नेटवर्क सर्विसेज, TCP और UDP. आपने तीनों प्रोटोकॉल सुन रखे हैं, ICMP, TCP और UDP. यस सर. ठीक है, तो तीनों प्रोटोकॉल्स के बारे में जो बताइए थोड़ा थोड़ा जो जो आपको पता है. ICMP क्या होता है? क्या करने के लिए? ICMP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेजेस प्रोटोकॉल. जब भी हम किसी डिवाइस को एक नेटवर्क में रह के पिंग करते हैं, दैट मीन्स उसके पास अगर हम पैकेट सेंड करते हैं तो हमारे जो पिंग पैकेट्स होते हैं उन्हीं को हम ICMP पैकेट्स बोलते हैं. ठीक है, जो हमारी स्कैनिंग ICMP के थ्रू होती है. फर्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे ICMP स्कैनिंग. ICMP स्कैनिंग का मतलब है जो भी हमारे डिवाइसेस एक्टिव हैं, एक्टिव मतलब जो भी हमारे एक नेटवर्क में प्रेजेंट हैं और अगर हम उनको पैकेट सेंड करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड आउट करते हैं तो वो फायरवॉल के थ्रू सेंडिंग हो सकती है. ठीक है, फायरवॉल के थ्रू क्या कर रहा है, आप उसको सेंड कर रहे हैं. एक मिनट रुकिएगा बस. ठीक है, महेश मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा. ठीक है. यस यस ठीक. चलिए स्टार्ट करते हैं. ICMP का क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया ICMP में क्या है, डिवाइसेस अगर हमने कनेक्ट कर रखे हैं किसी फायरवॉल में और हम उसमें क्या कर रहे हैं, डेटा पैकेट सेंड कर रहे हैं, तो अगर वो आपको पिंग कर पा रहा है दैट मीन्स हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो पा रही है, तो वो हमारा ICMP के डिवाइस शेयरिंग में आएगा. अब आती है इसमें पिंग स्वीप और ICMP इको स्कैनिंग. तीनों का मतलब सेम ही है एक तरीके से, बट डिफरेंस क्या है, पिंग स्वीप दैट मीन्स आप एक पर्टिकुलर रेंज में कनेक्टेड हैं जहाँ पे आपकी IP मैच कर रही है. जैसे कि अभी हमने अपनी IP मैच करवाई, हमारी मेन सिस्टम की IP 192.168.200.1 थी,
और जो हमारे फाइनल दूसरे वाले सिस्टम की क्या थी कि 192, 168 और 10 डॉट अपनी जो हमने निकाली 226। नेक्स्ट हमारा क्या है, आईसीएमपी इको स्कैनिंग। इको का मतलब है कि आपने जो चीज रिवर्ट में करा है, जो चीज आप भेज रहे हैं वही आपको रिवर्ट में आ रही है। तो अगर मैं पिंग कर रही हूँ किसी को तो मुझे रिप्लाई आ जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए सीएमडी लेते हैं, मैंने वैसे अपनी मशीन ऑन नहीं कर रखी है, बट सपोज सीएमडी से हम लोग गूगल को पिंग कर लेते हैं। जब मैं पिंग कर रही हूँ तो मुझे रिप्लाई आ रहा है इस वाले से ये, लेकिन मेरी किसमें IPv6 में दे रखी है आईपी, लेकिन क्या है मुझे पिंग रिपीट हो रहा है। जो चीज मैं उससे रिप्लाई मांग रही हूँ मुझे उसका कनेक्शन के लिए रिप्लाई मिल रहा है, दैट मीन्स मेरी आईसीएमपी इको स्कैनिंग हो रही है। ये हमारे किसके बारे में था, आईसीएमपी के बारे में था। अब बात आती है हमारे टीसीपी स्कैनिंग के बारे में। टीसीपी क्या होता है, आप मुझे टीसीपी के बारे में बताइए जो भी आपको पता है। टीसीपी में कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और इसमें डेटा मतलब स्पीड थोड़ा स्लो रहता है लेकिन डेटा एकदम परफेक्ट पहुंचता है। पैकेट ड्रॉप्स कम रहते हैं इसमें। ठीक है। तो टीसीपी और नेक्स्ट क्या है, यूडीपी। यूडीपी क्या होता है, यूडीपी। यूडीपी में कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं रहता है और उसमें उसमें स्पीड ज्यादा रहता है और ये क्या बोलते हैं पैकेट पहुंचता है लेकिन वो ड्रॉप्स उसमें होते हैं। हाँ तो डिफरेंस क्या है दोनों में, हम दोनों ही क्यों यूज कर रहे हैं जब वो हमारे जो कनेक्शन ओरिएंटेड हमको वही यूज करना चाहिए, लेस वाले में हमको क्या फायदा होगा। मैम यूडीपी में डेट मतलब जैसा डेटा फाइल रहता है अपना तो वैसा वो कब भी पहुंचे मतलब जब भी पहुंचता है पूरा पहुंचता है तो स्लो जाएगा चलेगा। टीसीपी हम लोग मोस्टली शायद से वॉइस या फिर वीडियो उसके लिए यूज करते हैं। तो उसमें से फास्ट कौन है, फास्ट मैम ये है यूडीपी है, टीसीपी कंपैरेटिवली स्लो है। कौन स्लो है, टीसीपी थोड़ा स्लो है यूडीपी फास्ट है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, यूडीपी हमारा फास्ट होता है। यूडीपी जो होता है वो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जबकि टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। टीसीपी के थ्रू हम लोग थ्री वे हैंडशेक करते हैं। सुना है आपने कभी थ्री वे हैंडशेक, बताइए क्या सुना है इसके बारे में। मैम वो पहले मतलब रिक्वेस्ट सेंड होता है तो अगर उतना याद नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा था मैं थ्री वे हैंडशेक। बेसिकली क्या होता है ना, थ्री वे हैंडशेक का मतलब होता है आप क्या करते हैं डेटा पैकेट सेंड करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, क्योंकि हमको पूरा इसमें डेटा पैकेट पहले वो लोग कंफर्मेशन लेते हैं वैसा। हाँ, इसमें क्या होगा, दो है, क्लाइंट एक सर्वर है, ठीक है। तो क्लाइंट ने क्या करा कि उसको पहले सिंक्रोनाइज पैकेट भेजा, दैट मींस सिन पैकेट। सिन पैकेट के थ्रू उसने क्या बताया कि मैं हाँ इस एनवायरनमेंट में हूँ, क्या आप मुझे डेटा पैकेट सेंड, मैं आपको डेटा पैकेट सेंड कर सकता हूँ। और सामने सर्वर ने बोला कि हाँ ठीक है मैं हूँ, तो उसमें क्या रहेगा कि आपका कनेक्शन हो गया, ठीक है। कनेक्शन में आपने पहले सिन पैकेट भेजा, उसके बाद उसने एक्नॉलेज कर दिया कि आप उसको पैकेट सेंड कर सकते हैं, थर्ड में आपने उसको पैकेट सेंड कर दिया। तो इस तरीके से क्या है, ये थ्री वे हैंडशेक इसने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, टीसीपी कनेक्ट में थ्री वे हैंडशेक करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है हमारा स्टेल्थ स्कैन। स्टेल्थ स्कैन का मतलब ये कि अगर आप हमारी फायरवॉल के थ्रू या किसी मैकेनिज्म के थ्रू वो चीज बाईपास हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही है, इफ अगर वो बाईपास हो रही है दैट मीन्स आप इजीली उसको क्या कर पा रहे हैं, अपने डेटा पैकेट को इधर से उधर सेंड कर पा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका स्टेल्थ स्कैन आपके फायरवॉल के ऊपर। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट के लिए जो हमारे टीसीपी का ही पार्ट है, विच इज द
यूडीपी, सॉरी यूडीपी का क्या करता है, यूडीपी का काम है कि वो क्या करता है अपना डेटा पैकेट सेंड करता है, बट डिफरेंस क्या है टीसीपी के केस में वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब सामने वाले बंदे को या सामने वाले पर्सन को भी उस टाइम कनेक्शन बिल्ड करके रहना पड़ेगा, बट इन द केस ऑफ यूडीपी में ऐसा नहीं होता। यूडीपी में क्या, अगर आपने कोई पैकेट सेंड करा और पोर्ट अनरीचेबल है तो आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, आफ्टर दैट जब वो पोर्ट ओपन होगा आपको पैकेट दोबारा सेंड करना है, क्योंकि इसके केस में कोई एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता नहीं है कि आपको पैकेट सेंड करा है तो रिसीव हो भी रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है फास्ट तरीके की प्रोटोकॉल होती है, और ऐसा नहीं है कि हम यूडीपी यूज नहीं कर सकते, यूडीपी हमारी सारी वॉइस कॉलिंग में यूज होती है, अगर यूडीपी नहीं रहेगी तो फिर वॉइस कॉल का नहीं रहेगा, फिर हमें हर चीज के लिए एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग किसी को कॉल लगा रहे हैं उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है या कुछ जा रहा है तो पैकेट ड्रॉप हो गया उस टाइम के लिए, आफ्टर दैट आपने दोबारा से कनेक्ट करके देखा दोबारा आपका चल गया क्योंकि वो पोर्ट ओपन हो गया। तो ये वाला जो केस होता है ये यूडीपी का केस है। हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के टूल होते हैं, जैसे मैंने बताया था हम लोग एनमैप यहाँ पे यूज करेंगे, एनमैप सबसे इम्पोर्टेंट टूल है हमारी एंड्रॉइड मतलब मोबाइल में, अगर आपको अपनी स्कैनिंग करनी है तो फिंग एक ऐप होता है FING, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है हम लोग विंडोज के लिए जो यूज करेंगे वो ZenMap यूज करेंगे और जो लाइनक्स के लिए यूज करेंगे वो NMap यूज करेंगे, ठीक है। दोनों ही सेम तरीके के टूल होते हैं, कुछ खास ऐसा डिफरेंस नहीं है, बट क्या है कि एक में हम लोग कमांड के थ्रू करते हैं जो NMap हमारा लाइनक्स है, लेकिन अगर जो हम विंडोज में यूज करेंगे विंडोज में आपको सिर्फ क्या करना है अपनी IP देनी है, वो अपने आप वहां से चूज कर सकते हो आप, क्योंकि ये GUI बेस्ड होता है, ठीक है। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं आपको कमांड बता चलती हूँ, आप क्यों कर लेते हैं NMap का। काली ओपन करिए, हेलो मैम, ओपन होंगे टर्मिनल, ओपन करी क्या ओपन करूं मैं टर्मिनल, टर्मिनल ब्लैक कलर का स्क्रीन आ रही है ना उस पर क्लिक करी, सुडो बैश लिखिए क्योंकि पहला आपको सुडो बैश लिखना होता है। सुडो और बैश में स्पेस आता है, एंटर करिए, ठीक है। यहाँ पासवर्ड वही है आपका जो शुरू में था, हो गया, ठीक है। अब आपको अगर डेस्कटॉप पर जाना है तो कैसे जाएंगी, पहला चेक करना पड़ेगा ना। हाँ तो LS करके चेक करते पहले, यहाँ पर डेस्कटॉप है, फिर CD से चल जाएंगे, CD स्पेस डेस्कटॉप, ओके। आपको क्या करना है स्कैनिंग करनी है, आपको मेन सिस्टम की IP याद है अपने, तो नहीं CD के आगे डेस्कटॉप डी कैपिटल कर दीजिए, केस सेंसिटिव होता है ना इसलिए ले रहा है। ठीक है मेन सिस्टम की IP एक बार चेक कर लीजिए, उसमें हमको स्कैनिंग करनी है। मेन सिस्टम MD से ना एक बार कंफर्म हो जाएगी क्या IP। Hello, 200.1 ठीक है, वहां जाइए, वहां लिखिए NMAP स्पेस मैम, यहाँ पे ना कि अपना CMD में बोल रहा हूँ, नहीं इसी में लिखना है NMAP स्पेस हाइफ़न, हाइफ़न का साइन लगाइए, नहीं NMAP से पहले हाइफ़न नहीं आएगा, NMAP के बाद आएगा, नहीं NMAP हाँ स्पेस हाइफ़न
कैपिटल ओ बना दीजिए और अपने विंडोज की आईपी लिख दीजिए। कैपिटल ओ जो हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग स्कैन के लिए करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। हमें डाल दीजिए 192.168.1.2 जो भी आपकी आईपी। ओके बस स्पेस आएगा ना, इसके बाद बस ना ठीक है। हाँ ओके बस स्पेस है। ठीक है, इसने स्कैन करके क्या बोला, नोट इट इज नॉट रियली अप बट ब्लॉकिंग आवर पिन कोड प्राइ पीएन। ओके ठीक है, इसने क्या करा, आपके भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी। क्या आप एक बार पिंग करना अपने मेन मशीन को, पिंग स्पेस आ नहीं रहा ना अभी पूरा, चार पैकेट जाते हैं इसीलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है। कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे अभी आपने काली डाली है ना तो वो आपका कर लेगा। इसको ऑफ करिए और नेक्स्ट स्कैनिंग कर लीजिए, अगर एरर नहीं आ रहा है ना तो नेक्स्ट कंट्रोल जेड करिए, ऑफ करके बाहर आइए, फिर लिखिए, हाँ यहाँ लिखिए एनमैप स्पेस हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी, ये हम लोग वर्जन स्कैन के लिए करते हैं, स्पेस और अपने आईपी 192.168.200.1 200.1। वेट करी, ये अभी आपका चल नहीं रहा है, एक मिनट रुकिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ। स्टॉप करिए, अभी आपने काली डाली ना, शाम में एक बार कर लीजिएगा। महेश कल आप क्लास ले लेंगे ना, आपको कोई इशू तो नहीं है कल का कुछ पूजा वूजा का? ठीक है मैम, चलेगा मैम, कल कुछ नहीं है मेरा। अच्छा ठीक है, कल वो रामनवमी है ना इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं नहीं मैम वैसा नहीं, आपको कुछ इश्यू नहीं तो मुझे भी। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं अरेंज कर लूंगी, इफ अगर कुछ ऐसा रहा तो मैसेज ड्रॉप कर दूंगी आपको। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे थे आईफोन कैपिटल 192.168.1.2
इसने मुझे स्कैनिंग करके बताया कि मेरे जो सिस्टम में कौन सी विंडोज रन कर रही हूँ मैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। अभी आपने अपनी काले डाली है तो इसलिए वो थोड़ा सा उसको पिंग विंग करके वो नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमको क्या मिली है, एक हॉप में मैं अपने डिस्टेंस तक पहुंच सकती हूँ, मतलब मेरे और मेरे मेन सिस्टम के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 हॉप का डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा सपोज करिए मुझे वर्जन स्कैन करना है, सेम ही रहती है हमारी कमांड, बस यहाँ पे हमको क्या करना है, स्मॉल एस कैपिटल वी फॉर द वर्जन। ये कमांड्स मैं आपको लिख के दे दूंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। ये देखिए इसका वर्जन है, यहाँ पे इसने यहाँ पे हमको वर्जन दे दिया कि जो भी हम लोग पोर्ट नंबर यूज कर रहे हैं, जो भी स्टेट और जो भी हमारी सर्विस यूज हो रही है उसके रिगार्डिंग उसका वर्जन कौन सा जो हमको यूज करना है। इसके अलावा ये मेरी मेन सिस्टम का मैक एड्रेस भी इसने हमको प्रोवाइड कर दिया। अगर आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन आए टीसीपी से रिलेटेड, दैट मीन्स कौन से पोर्ट नंबर आप सब में रही है, लेकिन आप सब टीसीपी की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको जो रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन वो टीसी की मिले, तो सिर्फ वही चीज निकलेगी कौन से पोर्ट नंबर आपके टीसीपी के लिए खुले हुए हैं इस टाइम, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फास्ट स्कैन करना, मतलब बीच में बिल्कुल टाइम ना लगे, तो आप हाइफन एफ कैपिटल एफ यूज करेंगे जो आपको फास्ट स्कैनिंग देगा, सबसे कम टाइम जो लगेगा उसमें लगेगा, 1.78 है या 1.67 ही लगा है, इन्फॉर्मेशन आपको सेम मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से अपने सिस्टम का स्कैन कर सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा एक मेन सिस्टम है और एक मेरी काली है और हमारे पास सिस्टम्स नहीं है, अगर ज्यादा होंगे तो स्कैनिंग में टाइम भी ज्यादा लगेगा, इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आती है तो हमारे काले की बात है, अगर आप मेन सिस्टम में जाते हैं तो आपको क्या करना है, अपना गूगल ओपन करना है, गूगल से क्या डाउनलोड करना है, ZenMap डाउनलोड करना है। आप ही के में कर लेते हैं, नहीं तो मैंने पता इश्यू आए तो कर लीजिए, शेयर बताती हूँ। ZenMap डालिए गूगल पे, ZenMap डाउनलोड, स्क्रॉल डाउन करिए, डाउनलोड का पेज होगा एक, डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए, यहीं पे ये जो आ रहा है ना बहुत सारे ऑप्शंस, इंट्रो रेफरेंस गाइड, इसमें डाउनलोड आ रहा है, हाँ इसी को डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए, स्क्रॉल डाउन करिए एक लिंक होगा, स्लोली करिएगा, हाँ यही जो है NMAP 7.92, ये नहीं, ये नहीं ऊपर, ये वाला नहीं, ये तो टार वाला है, ऊपर करिए, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, स्क्रॉल अप करिए, टी आर करके है ना खाली सिंपल होगा, ये DMG ऊपर करिए, और ऊपर ये वाला NMAP 7.92 setup.exe, स्लोली थोड़ा सा नीचे करना है, बस एक बार नीचे करेंगे, हाँ यही जो आ रहा है ऊपर वाला ऊपर, हाँ ये क्लिक कर दीजिए, नाम हो जाएगा, इसको इंस्टॉल करिएगा,
इंस्टॉल करिए इसको। एग्री इंस्टॉल। ओके रिपोर्ट बाद में कर लेंगे ना। आपके पहले से पड़ा हुआ है कि विन कैप वगैरह, तो उसको इंस्टॉल कर दीजिए फिर। फिनिश, देखिए आपके स्क्रीन पे आएगा। फिनिश अगेन, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। देखिए डेस्कटॉप आ गया होगा। स्टार्ट करिए। स्क्रीन बड़ी कर लीजिए। यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट में क्या करना है, आईपी लिखनी है। टारगेट में जिसको भी आपको अटैक करना है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। सपोज टारगेट में आप अपने मेन सिस्टम की आईपी लिख दीजिए 192.168.1.1। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है इंटेंस स्कैन चूज हो रखा है। आप चाहें तो वहाँ पे वो है ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसमें क्लिक करके जो भी आपको चूज करना है अपने लिए, वो जैसे पिंग स्कैन करना है, क्विक स्कैन करना है, रेगुलर स्कैन करना है, कोई भी जो करना होता है, स्कैनिंग को ले लेते हैं। स्कैन पर क्लिक कर दीजिए।
कोई भी ले लीजिए, हमको तो चेकिंग देखनी है ना कि वर्किंग कर रहा है, किसका एन कर लिया। अभी क्या है कि इसने अपने आप ही कमांड बना दी, कमांड में आ रहा है nmap space hyphen t4 hyphen av, ये क्या करता है अपने आप कमांड, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके थ्रू। इसके थ्रू क्या रहेगा, इसके थ्रू ये पूरा उसको पिंग स्कैन या जो भी इसको इंटेंस स्कैन करना है वो परफॉर्म करके आपको एक आईपी भी दे देगा और आपको बताएगा कि आपको कौन कौन से पोर्ट ओपन है, 139 ओपन है, 443 ओपन है, 445, जो भी एक इन्फॉर्मेशन ये दे सकता था ये आपको आपके नेटवर्क के बारे में दे देगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि एनमैप कैसे यूज करेंगे तो पहले यहाँ पे कोई भी एक स्कैन परफॉर्म करें, यहाँ से कमांड कॉपी करें, अपनी काली में जाके पेस्ट कर दी, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको ये देगा इस आईपी के बारे में वही इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी, क्योंकि हम लोग जिसको भी स्कैन कर रहे हैं वो हमारी मेन सिस्टम की आईपी है, ठीक है ना। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक और है, इन्यूमरेशन, वो और कर लेते हैं, वो हमारा पूरा थ्योरी टॉपिक है, उसमें ज्यादा कोई वो नहीं है प्रैक्टिकल। हाँ पर्सनल पीसी को कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम ये एक उसमें कनेक्टेड नहीं है। अगर आप ऑफिस में कनेक्टेड हो सकते हैं तो आप इसको अपने राउटर पे भी यूज कर सकते हैं, राउटर से आप डिफरेंट तरीके के सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। अगर मेरे पीसी से और भी मल्टीपल कनेक्टेड होंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ एक नेक्स्ट इनोवेशन आ रहा है, वो भी हमारा थ्योरी टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल से विंडोज हैकिंग शुरू करेंगे। देखिए इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेशन का मतलब होता है ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। अभी तक हम जैसे भी फुटप्रिंटिंग और एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, किसी आउटसाइड द सिस्टम के लिए कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर वही इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमको हमारे सिस्टम और जितने भी हमारे रिलेटेड टू सिस्टम एक ऑफिस में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो उसको हम बोलते हैं इनुमरेशन। इसमें यूजर नेम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना है या कौन सा सिस्टम में हम नेट बायोस यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम इनुमरेशन के थ्रू निकालेंगे। इनुमरेशन में क्या है, अगर आपको एक आईपी टेबल की नीड है, कोई हम राउटिंग टेबल बना रहे हैं, राउटिंग टेबल हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको पाथ पता करना होता है कि इस पाथ से हमारा इन्फॉर्मेशन जा सकती है कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा चूज किया जाता है अपने पैकेट को सेंड करने के लिए, ठीक है। कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी है, एक्टिव डायरेक्टरी जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कोई प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, SNMP, FTP, NTP, कोई भी तरीके की, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उन सारे केसेस में हम इन्यूमरेशन यूज करते हैं। इन्यूमरेशन का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले उसमें टारगेट फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद पोर्ट को स्कैनिंग करनी है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उससे रिलेटेड टू सारी इन्फॉर्मेशन में हमारे डिवाइसेज हैं, अगर कोई प्रिंटर कनेक्टेड है हमारे सिस्टम में या कोई भी हमने जॉयस्टिक या कुछ भी एक्सटर्नल डिवाइस लगा रखा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, क्या सर्विसेज यूज हो रही है, सर्विसेज मतलब कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, और वेब सर्विस की बात आए तो HTTP HTTPS यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या है इन्यूमरेशन हमारे कई तरीके का होता है, पहला है नेट बायोस इन्यूमरेशन, SNMP, LDAP, NTP, SMTP, DNS, Windows, Unix, Linux, ये मैंने 8 तरीके का इन्यूमरेशन बता रखा है। इसमें कोई मैक्सिमम प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, बस इन्यूमरेशन आपको पता होना चाहिए किस किस लेवल पर करते हैं कैसे कैसे, क्योंकि जब हम टैप टेस्ट देना चाहेंगे CH का तो उसमें इन्यूमरेशन के लेवल से क्वेश्चन आते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं कि कौन सा इन्यूमरेशन कैसे करते हैं परफॉर्म। तो जो हमारा नेट बायोस इन्यूमरेशन होता है, नेट बायोस का मतलब होता है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट। जब भी हम अपने सिस्टम को बूट करते हैं तो हमारा पूरा बायोस खुलता है ब्लू कलर का, है ना, तो उस बायोस में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे रिलेटेड टू सिस्टम हमको वो पता करनी होती है। तो जो नेट बायोस हमारा होता है वो हमारा पोर्ट नंबर 139 पे चलता है हमारा बायोस, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होंगी नेट बायोस से वो हम अपने इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, बार बार सिस्टम को बूट करके नहीं, हमको क्या करेंगे, एक सिंपल सी कमांड चलाएंगे, या तो NMB लुकअप या फिर नेट स्टेट, ये जो कमांड्स होती है हमारे नेट बायोस के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। अब बात आई हमारे SNMP, SNMP भी हमारे एक तरीके की प्रोटोकॉल होती है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, मतलब नेटवर्क से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी। ये जो हमारी SNMP होती है ये हमारे UDP प्रोटोकॉल पर काम करती है और हमारे राउटर को यूज करती है। तो जो भी हमारी SNMP इन्यूमरेशन होगी, मतलब हमारे सिस्टम में जो भी हमारे शेयर डिवाइसेस है, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे वो राउटर है, या फिर कोई ARP से हम लोग कोई भी चीज सेंड कर रहे हैं, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगा वो हमको SNMP देगा। LDAP
LDAP जो होती है हमारी नेटवर्क में, जो भी हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है, एक्टिव डायरेक्टरी मतलब जैसे सीडी डेस्कटॉप, हम डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो डेस्कटॉप क्या है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है इस टाइम, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी हम आएगी वो हमारी LDAP के अंदर आएगी। NTP, NTP होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, हमारे सिस्टम का जो भी टाइम मैनेजमेंट होगा वो हमारा NTP फॉलो करवाएगा हमको। SMTP, SMTP जो होती है पोर्ट नंबर 25 पे काम करती है, TCP प्रोटोकॉल इसमें यूज होती है, जितने भी हम लोग अपने सिस्टम से मेल कर रहे हैं या रिलेटेड टू मेल के बारे में इन्फॉर्मेशन होगा वो हमको SMTP देगा। SMTP के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला होता है वेरिफिकेशन, जिसको आप भेज रहे हैं वो इंसान एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। दूसरा होता है एक्सपेंस, EXPN, EXPN जो होता है वो उसमें क्या रहेगा, आपकी पूरी मेल की लिस्ट रहेगी किस किसको आप मेल कर रहे हैं। थर्ड है रिसिपियंट टू, दैट मीन जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है DNS enumeration, DNS enumeration का मतलब होता है DNS से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, जो आपके IP टू डोमेन, डोमेन टू IP में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमको नॉर्मली IP एड्रेस याद नहीं रह सकते, ठीक है। तो IP एड्रेस याद नहीं रहते तो हम लोग क्या करते हैं, डोमेन याद रखते हैं google.com, उसका जो भी IP होगा वो उसको रिजोल्व कर देगा और आपको दे देगा। अब बात आती है विंडोज इनुमरेशन, विंडोज इनुमरेशन वही चीज है जो हम क्या करते हैं अपने विंडोज के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, और वही चीज अगर हम लाइनिक्स से यूज कर रहे हैं तो लाइनिक्स का इनुमरेशन हो जाएगा, ठीक है। इनुमरेशन टोटल हमारा थ्योरी टॉपिक होता है, इनुमरेशन कोई भी चीज सॉल्व नहीं करनी है, बट अगर फिर भी हम अपने नेट बायो से किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपने खाली अपने ऑन है ना आपकी, मैं आपको कमांड बोल रहा हूँ, टाइप करके मुझे बताइए आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। बोलो कर लीजिए, हाँ मैम बोलिए। NMB lookup space, NMB lookup space hyphen a हाइफ़न कैपिटल ए और अपने स्पेस देके विंडोज की IP। ये चले नहीं चले तो मुझे बताएगा, नेक्स्ट फोन बताऊंगी। नो रिप्लाई फ्रॉम 192। अच्छा अभी रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है। NBT स्कैन, नेक्स्ट कमांड NBT ना मैम, NBT scan space विंडोज की IP, ये आपको नेट बायोस की इंफॉर्मेशन देगा कि आपके नेट बायोस का नेम क्या है। एक मिनट रुकिए, स्क्रीन शेयर करिए। मतलब जैसा टेबल जैसा आया IP एड्रेस नेट बॉयस सर्वर में, लेकिन इसमें कुछ इन्फो नहीं आया। अच्छा नीचे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है? नहीं नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नहीं। आप ये दोनों कमांड्स अपने रात में चला के देखिएगा, जब आपको थोड़ा सेटअप हो जाए सिस्टम, क्योंकि अभी क्या है ये आपका बूट नहीं कर रहा है। समझ गई मैं, इसके नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपकी IP आएगी, नेट बायोस का नेम आएगा और जो भी इसमें वर्क ग्रुप है कि डोमेन नेम पे जिस पे भी काम कर रही है आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन ये तब देगा जब आपका स्कैनिंग चलने लगेगा। तो स्कैनिंग की कमांड्स मैं भी आपको दे दूंगी ना, तो एक बार आप शाम में ट्राई करिएगा। तो अगर आपकी स्कैनिंग हो रही होगी तो आपको इन्यूमरेशन की भी कमांड देगा, क्योंकि अभी हमने काली डाली है तो शायद इस वजह से इसको पिंग आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि पिंगिंग भी नहीं चल रही है आपकी अभी, ठीक है। आपको ऑन रखने की जरूरत नहीं, एक बार आप बंद करके ऑन करके देख लीजिएगा तो ये आपकी सेटअप हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको स्कैनिंग की और इनोमिनेशन के दो कमांड्स हैं, इनको रन कर लीजिएगा तो यहाँ तक का हो जाएगा, और पूरी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग और इसकी। एक मैं आपको साइट और दूंगी ग्रुप में, मैं आपको मेंशन अप कर दूंगी उस साइट की, आपको पूरी फुटप्रिंटिंग करनी है। फुटप्रिंटिंग कैसे करनी है, वेबसाइट नेटवर्क जितनी भी फुटप्रिंटिंग आपको बताई गई है उन सब में से टूल्स को यूज करना है और उसकी पूरी फुटप्रिंटिंग करके एक वर्ड फाइल बनानी है, जिसमें आप मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे कौन किसका कब एक्सपायरी डेट है, किसकी कब है, पूरा मतलब जो भी आपको मिल सकता है मैक्स टू मैक्स उस वेबसाइट के बारे में, ठीक है। ये आपको करके लेके आना है और कल हम लोग अपनी विंडोज हैकिंग शुरू कर देंगे, यहाँ तक का पार्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मैं भी आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ, नोट शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।